महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के भिलाई में खुर्सी पार में बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। बोल बम सेवा कल्याण समिति द्वारा लगातार 12 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बाबा भोलेनाथ की बारात को यादगार बनाने तथा सभी तैयारियां समिति द्वारा पूरी की जा चुकी है। हालांकि बाबा की बारात के रूट को लेकर इस बार कुछ भ्रांतियां बनी हुई है, वह इसलिए क्योंकि इन दिनों फ्लाईओवर का निर्माण प्रगति पर है और जिस रास्ते से बारात निकाली जाती है वह रास्ता काफी संकरा हो गया है। हालांकि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने इस समस्या का समाधान निकालने व पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भव्य बारात का आयोजन करने की बात कही है। इस संबंध में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 21 फरवरी को बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। इस बार बारात में छत्तीसगढ़ की झांकियों के साथ ही आंध्र प्रदेश व नई दिल्ली की झांकियों को शामिल किया जाएगा। महाशिवरात्रि के एक सप्ताह पूर्व 14 फरवरी को प्रख्यात गायक हंसराज रघुवंशी का कार्यक्रम आईटीआई ग्राउंड खुर्सी पार में रखा गया है। दया सिंह ने बताया कि शिवजी की बारात को सफल बनाने के लिए पूरी समिति के लोग लगे हुए हैं। वहीं बारात में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया है। दया सिंह ने बताया कि बाबा भोलेनाथ की बारात के लिए 21,000 निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। साथ ही 21 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व थे। हम अभी तक हम 101 झांकी करते थे, इस बार छोटी 108 झांकियां हुई है। 108 झांकियां अलग अलग जिले से है, कोई जहांगीर से है, बिलासपुर से है, राजपुर से है, नांदगांव से है, कवर्धा से है, बेमित्रा से है, बावड़ो से है, ऐसे 108 झांकी है, 4,000 से ज्यादा राम रावण भीषण भूत पिशाच बने, अलग अलग मुद्रा में अलग अलग कला के साथ में बाबा के एक अलग रूप में दिखेंगे। उसके अलावा हमने 9 बड़ी झांकियां की है जो छत्तीसगढ़ से ही है, 9 फीट की, इसमें राम दरबार से लेके सीन विवाह से लेके अन्य अन्य रूप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने इसे देश के अंदर में 3 बड़ी झांकियां, एक दिल्ली में मनोज जैन पार्टी जो भोले बाबा की 41 लोगों की है, जो बहुत अच्छी मुद्रा में भोले बाबा का शंखनाद के रूप में शिव तांडव करते हुए नजर आएंगे, वो हमने किया है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का कोयल नृत्य जो 41 लोगों की एक अलग टीम। बाबा की बारात महाशिवरात्रि पर्व पे भिलाई खुर्सी पार में विगत 11 वर्षों से निकाला जा रहा है, ये 12वां वर्ष होगा। इस 12 वर्ष में हमने दो चीज़, पहले हम 11,000 कार्ड छपाते थे जो बाबा का लोगों को निमंत्रण देते थे, इस बार 21,000 कार्ड हमने छपाया और आपको बता दें कि पूरा बढ़ गया। उसके बाद भी लोगों के अंदर एक भाव है कि हमको भी कार्ड मिलना चाहिए। उस अवसर में हमने लोगों को बाबा भोलेनाथ जी का कैलेंडर दे रहे हैं और लोगों से आग्रह कर दे रहे हैं, लोगों को जोड़ के एक ताकत के रूप में इस बार बाबा की महाशिवरात्रि पर्व पे उसके सूर्य पूर्व में हम हंसराज रघुवंशी जो मेरा भोला भंडारी करे नंदी की सवारी हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, जो बाबा का संगीत जो पूरे देश के अंदर में भोले शंकर के संगीत के साथ में एक नाम एक क्राउड आपको खुर्सी पार में भिलाई में दिखेगा। साथ ही महाशिवरात्रि पे इस बार हमने जो 108 झांकियां होती थी तो 108 झांकियां मतलब 4,000 से ज़्यादा लोग आपको राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस बने नजर आएंगे अलग अलग मुद्रा में। इसके अलावा हमने देश से 3 अलग अलग प्रदेश से हमने आंध्र प्रदेश का कोया नृत्य जो 41 लोगों का है जो भोले शंकर के अलग अलग मुद्रा में आपको नृत्य करते दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से हमने अलग से दिल्ली से मनोज एन पार्टी का किया जो भोले शंकर के महा तांडव के रूप में महामृत्युंजय मंत्र के साथ में आपको एक नृत्य करते हुए दिखेगा। देखिए विगत 11 वर्ष हो गए इसको करते आ रहे हैं और ये 12वां वर्ष है, किस तरह का उद्देश्य लेके किस तरह का भाव लेके? उद्देश्य सिर्फ ये है कि धर्म की गंगा सत्य की गंगा, क्योंकि सत्य ही शिव है। तो बाबा की बारात एक महापर्व है, आज छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में है, क्योंकि आपको बता दूं पूरे देश में चाहे उज्जैन महाकाल है वहाँ बाबा की बारात निकलती है, चाहे बनारस काशी विश्वनाथ में निकलती है, चाहे झारखंड में बाबा धाम है वहाँ बाबा की बारात, एक छत्तीसगढ़ अनोखा है जो अपने आप में लोग बाबा की बारात को देखने के लिए जो जन सैलाब
80 से 90 हजार लोग रोड में आ जाना, परिवार सहित शहर छोड़िए गांव गांव के लोग आके इस बाबा के पर्व को महापर्व रूप में मनाते हैं। माताएं बहनें काफ़ी उपास रहती है, लेकिन इस बार भी आपको कम से कम हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें आपको केसरी कलर की साड़ियाँ पहने हुए बाबा की बारात का नेतृत्व करते हुए नजर आएगा। एक अलग ही नजारा लोगों को देखने को मिलेगा। किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप लोग जी? अपील मैं सिर्फ लोगों से ये अपील चाहूंगा कि बाबा का बारात है, महापर्व है, 12वां वर्ष है, लोग बढ़ चढ़ के आए, बाबा की बारात में बड़ी बड़ी झांकियों का आनंद लें। बाबा के अलग अलग सॉन्ग के दिलीप सड़ंगी जैसे लोग भी गायक या दीपालू यादव जैसे लोग, ये सब लोगों से हम प्रयास कर रहे हैं कि सब आए और गाना गाए, और साथ साथ में क्योंकि अलग अलग मुद्राओं में झांकियां जो देखने को मिलेगी एक अनोखा वो रहेगा, संगीत अलग रहेगा, तो आए भंडारे का आनंद ले, बाबा की झांकी का आनंद ले और झूमे नाचे, ताकि जब बाबा आ रहे हैं, बाबा क्योंकि कलयुग में बाबा जब आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी के हर कुछ देख कर जाएंगे। तो हर दुख हर तकलीफ हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है, तो महादेव आ रहे हैं, और जब महादेव आ रहे हैं हर किसी के गम को दुख को दूर करेंगे, खुशी देंगे, प्रेम देंगे, भाव देंगे, और उस भाव के साथ लोग झूमेंगे, ये भाव है, इसलिए लोग आए झूमे नाचे भंडारे का आनंद ले और बढ़िया पर्व को महापर्व के रूप में मनाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।